जय हिंद साथियों। साथियों, आज हम लेकर हाजिर हैं कोर्स टू बीएड फर्स्ट ईयर का कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया ऑफ एजुकेशन के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तो चलिए साथियों, आज का क्वेश्चन है प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं, यानी कि ये भी मोस्ट वीवीआई है। हर बार लगभग बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम में इस यूनिट से सवाल आते हैं। लिखा है प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं। चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। क्या इसका आंसर हो सकता है? प्रकृतिवाद दार्शनिक चिंतन की वह विचारधारा है जो प्रकृति को मूल तत्व मानती है, इसी को इस ब्रह्मांड का कर्ता एवं उपादान मानती है। यानी प्रकृति का मतलब क्या? प्रकृति का मतलब जो मनुष्य का दिया गया चीज न हो, जैसे कि हवा है, पानी है, मिट्टी है, पूरा यहाँ तक कि ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड में जितनी चीज़ें हो रही है, बारिश का होना, ये सब क्या है? एक प्राकृतिक घटना है। तो साथियों, इसको एक ब्रह्मांड में कर्ता और उपादान के रूप में मानती है। इसको हम लोग प्रकृतिवाद दर्शन के रूप में देखते हैं। फिर है आगे, यह वह विचार है कि विश्व में केवल प्राकृतिक नियम ही कार्य करते हैं। यानी कि यह विचार देखा जा रहा है कि विश्व में जितना भी काम किया जाता है वो प्राकृतिक के नियम के अनुसार ही होता है, न कि कोई आध्यात्मिक नियम। ऐसा थोड़ा ना है कि अगर हम लोग आज सोचेंगे आज बारिश नहीं हो तो आज बारिश नहीं होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, और प्रकृति का नियम है भूकंप आना, चक्रवात आना, तूफान आना, बारिश होना। तो ये सब सारी चीज़ों को आध्यात्मिक शिक्षा से नहीं रोका जा सकता है। ये प्राकृतिक नियम है और ये होगा ही ऐसा। फिर आगे लिखता है, प्राकृतिक संसार के परे कुछ भी नहीं है। यानी कि जो प्राकृतिक है वो संसार के परे कुछ भी नहीं है। प्रकृतिवादी आत्मा, परमात्मा, अस्पष्ट प्रयोजन आदि की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। यानी कि जो इंद्र देवता हो गए, प्रकृतिवाद, यानी कि जो प्रकृतिवाद होते हैं वो कभी भी आत्मा, परमात्मा और प्रयोजन में किसी पे भी विश्वास नहीं रखते हैं। प्रकृतिवादी विचारक बुद्धि के विशेष महत्व देते हैं। यानी कि जो प्रकृतिवादी होती है, जो प्रकृति को सही समझता है, वो विचारक बुद्धि को विशेष महत्व देते हैं। यानी कि उसके बुद्धि को ही समझते हैं, परंतु उनका विचार है कि बुद्धि का कार्य केवल बाह्य परिस्थिति और विचार में काबू लाना है। यानी कि जो प्रकृतिवाद होते हैं, जो प्रकृति को समझते हैं, बुद्धि को तो महत्व देते हैं, किंतु वहीं तक महत्व देते हैं जहाँ तक उनको समझा जा सकता है, वरना बुद्धि का कार्य केवल बाह्य परिस्थिति, बाहरी चीज़ों में लगाना होता है। कभी भी विचार को काबू नहीं रख सकते हैं। विचार के रूप में मतलब बुद्धि का यूज किया जा सकता है, जो शक्ति से बाहर जन्म लेते हैं। यानी कि उनकी कोई शक्ति नहीं है जो प्रकृति को रोक सके। इस प्रकार प्रकृतिवादी आत्मा, परमात्मा, स्पष्ट प्रयोजन इत्यादि की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। मतलब कि आत्मा परमात्मा पर जो प्रकृतिवादी होते हैं विश्वास नहीं रखते हैं। प्रकृतिवाद सभ्यता की जटिलता की प्रतिक्रिया फलस्वरूप समाज के सम्मुख उपस्थित हुआ है। यानी कि प्रकृतिवाद जो है ना, एक किसी न किसी सभ्यता के अनुसार आया है, जो जटिलता यानी कि बहुत जटिल है, बहुत कठिन परिस्थितियों को सामना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक वैज्ञानिक ठहरे जिनका नाम है एडम्स, वैज्ञानिक का नाम है एडम्स। तो एडम्स का माने तो इनके अनुसार यह शब्द अत्यंत जटिल है। एडम्स का कहना है कि प्रकृतिवाद जो है ना, बहुत एक कठिन शब्द है, कठिन अर्थ है इसका निकलता, कठिन बहुत चीज़ कठिन है। इसकी अस्पष्टता के कारण ही अनेक भूल होती है। यानी कि ये जब अस्पष्ट होती है, जब क्लियर नहीं होती है, तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाती है, बहुत भूल होने लगती है। प्रकृति की तीन प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। यानी कि प्रकृति को कितने तरीके में से क्लियर किया जाता है? तीन तरीके से क्लियर किया जाता है, लेकिन उसमें से दो ही का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। प्रथम अर्थ में यानी कि पहली स्थिति में,
प्रकृति का तात्पर्य उस विशेष गुण से है जो मानव जीवन के विकास एवं उन्नति की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। यानी कि प्रथम अर्थ में, यानी कि प्राथमिक अर्थ में प्रकृति का तात्पर्य क्या है? एक ऐसा विशेष गुण से है जो मानव के विकास एवं उन्नति की ओर ले जाता है। यानी कि प्रथम अर्थ उसका उद्देश्य होता है कि उसको उन्नति की ओर ले जाना। सर्वप्रथम रूसो ने, रूसो रूसो एक तरह का क्या है, वैज्ञानिक है। जिस तरह से एडम्स आया है ना नाम, उसी तरीके से वैज्ञानिक का नाम है। इसके अनुसार देखिए तो प्रकृति के इस अर्थ से अवगत कराया रूसो ने, रूस ने प्रकृति के उस अर्थ से अवगत कराया, बताया, जिसके आधार पर ओम हॉल, सॉरी ओम नहीं है, डॉक्टर हॉल है। डॉक्टर, ओम जैसा लग रहा है ना साथियों, इसको डॉक्टर कर लीजिएगा, डॉक्टर। इसके आधार पर डॉक्टर हॉल ने बॉल केंद्रित शिक्षा का स्वरूप विकसित किया। यानी कि प्रकृति के रूप में विस्तार से बताया किसने? रूसो ने। और इसी के आधार पर डॉक्टर हॉल ने बॉल केंद्रित शिक्षा का स्वरूप विकसित किया, अर्थात विकसित किया। अतः प्रथम अर्थ में प्रकृति के तात्पर्य मानव स्वभाव से लिया जाता है। यानी कि प्राथमिक अर्थ जो है, टोटल तो तीन अर्थ है लेकिन दो अर्थ का यहाँ जिक्र किया गया है। तो प्रथम अर्थ में ये समझाया गया है कि उसके मानव स्वभाव कैसा है, मानव के स्वभाव का वर्णन किया गया। प्रकृति का दूसरा अर्थ जो है वो बनावट के ठीक विपरीत बनाया गया है। यानी जिस तरह का बनावट है उसके जस्ट उल्टा बनाया गया। अर्थात जिस कार्य में मनुष्य ने सहयोग नहीं दिया हो वही प्रकृति है। यानी मनुष्यों का भी एक गुण बनता है कि किसी न किसी का सहयोग करना चाहिए, लेकिन किसी मनुष्य ने किसी को कभी सहयोग नहीं किया है, वही वही को उसी को प्रकृति का दूसरा अर्थ समझा जाता है। फिर लिखा है आगे, प्राचीन सिद्धांतों के अनुसार, यानी बहुत पहले के सिद्धांत को देखा जाए तो उसके अनुसार वह मार्ग जिसमें व्यक्ति जीवन में अधिक मूल्यों की प्राप्ति कर सकता है वह है अपने जीवन का प्रकृति के साथ साथ संभव निकट संबंध स्थापन करना। यानी कि प्राचीन सिद्धांत को माने तो यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें व्यक्ति के जीवन में अधिक मूल्यों की प्राप्ति हो सकती है, माने बहुत अधिक सफलता प्राप्त होती है। वह कौन है? अपने जीवन के प्रकृति के साथ संबंध बनाना। अपना जो जीवन मिला है, अपना जो लाइफ मिला है, उसको आप प्रकृति के साथ जीने का प्रयास करिए। पेड़ पौधे लगाइए ताकि सभी चीज़ें मेंटेनेंस हो सके। प्रकृति में आसपास की जो चीज़ें चल रही है, बिल्कुल आप एक दोस्त की तरह प्रकृति के साथ रहिए, ऐसा लिखा हुआ है। फिर आगे है प्रकृतिवाद के रूप। अब प्रकृतिवाद के हम लोग देखेंगे कि कितने रूप होते हैं, तो आपको जानना चाहिए प्रकृतिवाद के तीन रूपों में यहाँ पे स्पष्ट किया जाता है। तीन रूप कौन कौन सा है? पहला, दूसरा और तीसरा। पहला में लिखा है पदार्थ विज्ञान का प्रकृतिवाद। तो याद रखिएगा, प्रकृतिवाद का पहला जो रूप है वह कौन सा है? पदार्थ विज्ञान का प्रकृतिवाद। दूसरा क्या है? यंत्रवादी प्रकृतिवादी, यानी कि दूसरा का नाम है यंत्रवादी प्रकृतिवादी। और तीसरा का नाम है जीव वैज्ञानिक क्रम विकासवादी प्रकृतिवाद। तो इस तरीके से प्रकृतिवाद के तीन रूप का वर्णन किया गया है। फिर आगे हम लोग देखें तो लिखा है प्रकृतिवादी शिक्षण विधि। यानी कि प्रकृतिवादी का शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण विधि किस तरह का है? चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है प्रकृतिवादी शिक्षण विधि को निम्नलिखित सिद्धांत पर विशेष महत्व देते हैं। यानी कि जो प्रकृतिवादी शिक्षण विधि है उसको एक निम्नलिखित सिद्धांत पर विशेष महत्व दिया गया है। इसमें से चार सिद्धांतों का वर्णन मुख्य रूप से किया गया है, बाकी उसके नीचे भी है 5, 6, 7। तो चलिए
हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला है बालक की शिक्षा इसके मानसिक एवं शारीरिक विकास के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब बच्चा छोटा सा है उसको पढ़ा रहे 10वीं की चीज़ें, 9वीं 10वीं की चीज़ें, तो ये भी नहीं होनी चाहिए। उसको जितना उसकी मानसिक क्षमता है, जितनी शारीरिक क्षमता है, उसी के अनुसार उसको ज्ञान देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। दूसरा है शिक्षा सुखमय होना चाहिए। सुखमय का मतलब सुखमय का मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को इतना ना टास्क दे दीजिए, इतना ना कुछ याद करने के लिए दे दीजिए कि वो अपना इंजॉयमेंट करना भूल जाए और सिर्फ इसी के प्रति लिखा जाए। तो बहुत सारे लोगों सुने होंगे कि पढ़ने से वो पगला जाता है, तो यही के कारण होता है क्योंकि उनकी उनके जीवन में शिक्षा को लेकर कभी सुख नहीं रहते हैं, कभी खुश नहीं रहते हैं। तो याद रखिए शिक्षा क्या होना चाहिए, सुखमय होना चाहिए। और तीसरा, शिक्षा में बालक को स्वयं क्रियाशील होने के लिए प्रेरित, यानी कि शिक्षा में बालक को भी प्रेरित रहना चाहिए। ये नहीं कि जोर जबरदस्ती देकर उसको पढ़ाया जा सकता है, यानी कि एक इंटरेस्ट होना चाहिए किसी बालक को भी। चौथा पॉइंट, शिक्षा प्रकृति विकास का अनुगमन करे, इसके पूर्व बालक का नैतिक अथवा मानसिक विकास आवश्यक है। ये तो हम लोगों ने कोर्स नंबर 1 में भी पढ़ा, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में, कि किसी भी बालक का मानसिक और नैतिक का विकास का होना अति आवश्यक है, तभी उसके अनुरूप उसकी शिक्षा दी जा सकती है। पांचवा है, शिक्षा प्रणाली में आगमन प्रविधि का भी प्रयोग होना चाहिए, यानी कि जो शिक्षा प्रणाली है उसमें एक आगमन प्रविधि प्रविधि यानी कि आगे आने वाली जो चीज़ें हैं उसको भी संक्षेप में कुछ देने का प्रयास करके, देखो भाई इस क्लास में ऐसा था पढ़ रहा हूँ ना, अगली क्लास में ऐसी भी सीखने के लिए मिलेगी। तो इस तरीके से आगे आने वाले जो चीज़ें हैं उसको भी बताई जाए। फिर आगे लिखा है छठा पॉइंट, छात्रों को दिया जाने वाला दंड प्राकृतिक होना चाहिए। ये नहीं कि आप डंडा लिए और पूरा इतना ना पीट दिए कि उसको पूरा एकदम शरीर पे एकदम दाग उखड़ गया। हाँ, उसको प्राकृतिक दंड दीजिए, जैसे तुम उठक बैठक करो, तुम जो है ना मुर्गा बन जाओ, तुम जो है एक कर लो। तो ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक दंड हो गए। इससे उसको ये भी अनुभव नहीं है कि हमको कोई पीटा गया है, उनको इस बात का डर है कि हमको सबके सामने, क्योंकि अब उठक बैठक करवाएंगे तो उनके पैर में दर्द होगा, उनको स्कूल आने जाने में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से उनको प्राकृतिक दंड दिया जाना चाहिए। और सातवां जो है, शब्द ज्ञान पर अधिक महत्व न देकर वस्तुओं और अनुभवों पर विशेष, यानी कि यही बात है कि उसको शब्द ज्ञान यानी कि किताबी कीड़ा कीड़ा न बनाया जाए, उसको उदाहरण के सहित जो है उसको सिंपल भाषा में उसको अनुभव पर, जिस तरह का वो करना चाहता है उसके अनुभव पर उसको विशेष बल देना चाहिए, माने उसको विशेषकर शिक्षा दिया जाना चाहिए। तो साथियों, ये था कोर्स 2, जिसका नाम है कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग जिक्र किए प्रकृतिवाद को। तो साथियों, आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़े रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और क्योंकि हम लाते हैं इसमें BEd के फुल कोर्सेज को, तो साथियों बिल्कुल जुड़े रहें इस चैनल से। तो दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियोज में एक नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।